अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। और जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, मैंने वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और थोड़ा सा बता दूँ मैं कि हम लोग लिप सीरीज लेके चल रहे थे, जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं। तो अगर ये लिप्स मार्क्स जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं लिप्स का स्क्रब डाल चुकी हूँ, यानी उसको लिप्स को एक्सफोलिएटिंग कैसे करना है मैंने प्रॉपरली बताया। मैं अपने चैनल पर एक लाइक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ। इकट्ठी कोई भी चीज़ स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करती है। फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उससे सेंसिटिव हमारे लिप्स होते हैं, उससे सेंसिटिव हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं। तो मैंने पहले एक्सफोलिएट करना बताया कि लिप्स को आपने एक से डेढ़ हफ्ता एक्सफोलिएट करना है, देन ये वाला मास्क अप्लाई करना है। जो कर चुके हैं वो डायरेक्ट इस मास्क पे आ जाइएगा। जो न्यू देख रहे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले वो वीडियो देखें। अगर लिप्स बहुत डार्क हैं तो डेढ़ हफ्ता कीजिएगा एक्सफोलिएटिंग, और बाकी वो वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जो मैं प्रॉपरली लेके चलती हूँ परमानेंटली रिजल्ट के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी को एक्नी है तो वो मेरी एक्नी जर्नी भी देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो की तरफ बढ़ती है। एक्सफोलिएटिंग हो गई, डेढ़ हफ्ता मैंने आप लोगों को बताया करना, वो कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कैसे एक्सफोलिएटिंग को रोकना है और कैसे कैसे मास्क बनाना है। तो आज हम दो चीज़ों से मास्क बनाएंगे लिप्स के लिए, जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा जी। पहले आप लोग एक्सफोलिएटिंग करेंगे, मैंने आपको बता दिया हुआ है। एक्सफोलिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, दो चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ होगी जी टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी ये प्रोडक्ट है, जो हमारी स्किन को रिवाइव करता है। लाइक जो हमारी स्किन बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है उसको सही करता है, और हमारी स्किन के ऊपर एक ग्लो लाता है, लस्टर लाता है, ज़बरदस्त स्किन के लिए होता है। इसी तरह ये लिप्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेकेंड जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो ये दूध है और दूसरा इसमें मलाई है, आप लोग देख सकते हैं। ठंडा दूध लेना है और मलाई लेनी है। अब मलाई हमने क्यों ली है जी, मलाई एक लाइक स्क्रब का काम भी करेगी, और आपकी स्किन के ऊपर जो एक ब्लैक लेयर आ चुकी हुई है ना लिप्स के ऊपर, ये उसको प्रॉपरली वे में उतारेगी और लिप्स को नरम करेगी। सबसे बेहतरीन काम जो ये आप करेगी, लिप्स को आपके बहुत सॉफ्ट कर देगी। मिल्क तो आपको पता ही है, एक बेस्ट वाइटनिंग एजेंट है, हम स्किन पे भी यूज़ करें, कहीं पे भी यूज़ करें, ये हमें ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो इन दो चीज़ों से हम आज बनाने वाले हैं लिप्स मास्क। अब आप लोगों ने इसे कैसे लगाना है, कितने टाइम लगाना है और कैसे कैसे लगाना है, मैं आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अब आप लोगों ने इतना दूध और इतनी मलाई ले लेनी है, ठीक है, आप लोगों ने नज़र आ रहा होगा ये इस तरह से। और इसमें आप लोगों ने ऐड करना है लाइक पिंच ऑफ दिस, ये देखिए मैंने कितना ऐड किया, बस इतनी आप लोगों ने हल्दी ऐड कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना इस तरह से, आप लोग इसे मिक्स करें। और जो जितनी भी मैंने आप लोगों को स्क्रब बताया था जो इससे पहले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि उसे एक हफ्ता आप लोगों ने करना है। तो जब आप उसे एक हफ्ता कर लेंगे, उसके बाद ये यूज़ करना शुरू कर देना है। एक्सफोलिएटिंग कम कर देनी है, मास्क लगाना शुरू कर देना है। और मैंने बताया था कि उसके बाद आप लोगों ने एवियन का कैप्सूल भी लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को लिप बाम दिखाने हैं कौन से अच्छे होते हैं। अब मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पिंच और लूँगी, लाइक इतना। अगर आप लोग थोड़ा सा मटेरियल कम बना रहे हैं, मैं तो शायद 3-4 लिप्स के लिए बना रही हूँ, किसी को मैंने यूज़ करवाना है, तो आप लोग एक लिप्स के लिए कम ले सकते हैं, कम दूध कम मलाई, और साथ आप लोग कम पिंच में ही लीजिएगा आप लोग ये हल्दी। अब कुछ इस तरह से ले लें आप, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको करना है अप्लाई। ऐसे आप लोगों ने लेना है, ये इस तरह का मास्क सब बन गया है, और अपने लिप्स के ऊपर आप लोगों ने ऐसे लगाना है इस तरह से। देखिए मलाई भी आएगी और इस तरह से आएगा ये, और आप लोगों ने ऐसे ऐसे मसाज करना है लिप्स के ऊपर, जस्ट 1 मिनट ऐसे ऐसे मसाज करना, ऐसे ऐसे मसाज किया और छोड़ दिया लिप्स के ऊपर। थोड़ा सा और भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को कम लगे लिप्स के ऊपर, ऐसे ऐसे मसाज किया और छोड़ दिया। आप यकीन करें आपने इसको 5 मिनट ड्राई होने देना है, ड्राई होने के बाद इसको धो लेना है 5 मिनट के बाद। आप लोगों को इतना अच्छा फील होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि धोने के बाद आप लोगों ने एवियन का कैप्सूल लगाना है, उसका जेल निकाल के विटामिन ई जिसको बोलते हैं वो जेल आपने अपने फेस पर लगाना है, जो कैप्सूल्स मिलते हैं वो लगा लीजिएगा। जो लोग न्यू देख रहे हैं उन्हें बता चुकी हूँ, पहले एक्सफोलिएटिंग कीजिएगा एक से डेढ़ हफ्ता, उसके बाद ही मास्क लगाइएगा। और जो लोग कर चुके हैं अब वो ये करेंगे कि मास्क अप्लाई करेंगे, एक्सफोलिएटिंग जो है वो 2 से 3 दिन बाद करेंगे। मास्क आप लोग डेली फेस पे, सॉरी लिप्स के ऊपर ही अप्लाई करेंगे।
आप लोग को बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिप बाम दिखाने हैं, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें सस्ते लिप बाम भी दिखा दें, इंस्टेंट कलर वाले भी दिखा दें और बगैर कलर वाले भी दिखा दें। उसके बाद लिप बाम बनाना भी सिखाऊंगी, डार्क सर्कल से भी सीज चल आ रही हूँ तो उसके बारे में भी वीडियो डालूंगी। इंशाल्लाह आप लोग इसको 5 मिनट ड्राई होने के बाद छोड़ दीजिएगा, धो लीजिएगा, ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, परमानेंट रिजल्ट आएगा। मैंने अपने लिप्स के ऊपर ये अप्लाई किया हुआ है। इस तरह ही आप लोग मुझे अपने इंस्टाग्राम पे एक्नी, लिप्स, हेयर्स कुछ भी मुझसे पूछ भी सकते हैं, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, यहाँ पे भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऑनेस्ट। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, इन्फॉर्मेटिव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।